जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग किस प्रकार से हल करते हैं। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो कई सारी बनाई हुई हैं, लेकिन ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ भिन्नों को जोड़ना नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पर हम देखिए जोड़ भी सीख रहे हैं, घटाव भी सीख रहे हैं, गुणा भी सीख रहे हैं और भाग भी सीख रहे हैं। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको यहाँ पर देखिए तीन तीन भिन्न मिल रही है, यहाँ पर भी तीन भिन्नों को आपस में जोड़ रहे हैं, यहाँ पर तीन भिन्नों को आपस हम घटा रहे हैं, यहां पर तीन भिन्नों को गुणा कर रहे हैं और यहां पर हम तीन भिन्नों को भाग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, यानी कि सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ना। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल आपको दिख रहा है, दो बटे पांच प्लस पांच बटा तीन प्लस दो बटा तीन, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम छोटा करके यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए यहां पर, ये जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं क्या है, दो बटा पांच प्लस पांच बटा तीन प्लस दो बटा तीन। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो भिन्न का सवाल आपको दिया गया है, इस तरह के जोड़ में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हरों का एलसीएम लेना पड़ता है। अब हर क्या होता है, जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं इनको हम बोलते हैं हर। तो हमें हरों का क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए हर क्या क्या है, पांच तीन तीन, तो यहां पर हम लिखेंगे पांच तीन और तीन। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे इस प्रकार से, सबसे पहले तीन से भाग लगाएंगे, पाँच में नहीं जाएगा, पाँच को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तीन एकम तीन और तीन एकम तीन। अब पाँच से लगाएंगे तो यहाँ पर पाँच एकम पाँच, एक और ये एक। ठीक है, ये जो संख्या है इनको गुणा कर लीजिए, तो पाँच तिया के पंद्रह, तो जो पंद्रह आया है ये क्या है, हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो हम इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से और इसके नीचे लिख देंगे पंद्रह। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो चुका है तो इसको हम कर देते हैं साफ। ठीक है, क्लियर है, चलिए तो इसको हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक भिन्न को यहां पर हल करेंगे। ठीक है, कैसे करना है देखो, सबसे पहले ये वाली भिन्न को पकड़ लीजिए। तो देखिए हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या को देखना है, क्या है पांच, पांच से भाग लगाइए, पंद्रह में कितनी बार जाएगा, पांच तिया पंद्रह तीन बार। अब जो तीन आया है उसका गुणा ऊपर, तीन दुनी कितना हो जाएगा छह, तो यहां पर हो गया छह। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी वाली भिन्न को पकड़ लेना है, यानी इसको। तो अब देखिए इसके नीचे क्या है, तीन, तीन से भाग लगाइए, पंद्रह में कितनी बार जाएगा, तीन पांच पंद्रह, पांच बार। ठीक है, तो पांच का गुणा ऊपर वाली संख्या में, पांच पंजे कितना हो जाएगा पच्चीस, तो प्लस का यहां पर क्या आ जाएगा, पच्चीस आ जाएगा। अच्छा, प्लस का क्यों आया, यहां पर प्लस था तो हमने यहां पर प्लस लगा दिया, और यहां पर पांच पंजे पच्चीस आ गया, फिर से प्लस है तो ये फिर से प्लस। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हमें यहाँ पर तीन से फिर इसमें भाग लगाना है, मतलब अब हमें इस वाले भिन्न पे जाना है, तीन से हम भाग लगाएंगे, पंद्रह में कितनी बार जाएगा, तीन पाँच पंद्रह पाँच बार। तो अब उस पाँच का गुणा ऊपर दो में, पाँच दुनी हो जाएगा दस, तो ये हो गया दस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें यहाँ पर इनको जोड़ लेना है। ठीक है, तो पच्चीस और दस कितने हो जाएंगे, पैंतीस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पैंतीस, और प्लस का कितना है छः, ये वाला छः, और बटे में है पंद्रह। ठीक है, पैंतीस और छः कितने हो जाएंगे, इकतालीस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इकतालीस, और बटे में आ जाएगा पंद्रह, तो इकतालीस बटे पंद्रह जो है ये हमारा क्या हो गया है, आंसर निकल कर आ गया है। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से भिन्न का घटाव हल किया जाता है। ठीक है, अगर आपको जोड़ समझ में आ गया तो घटाव जो है वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब घटाव का जो सवाल है इसको करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 6 अपॉन 2, ठीक है, माइनस 3 अपॉन 2 यानी 3 बटा 2 माइनस 5 बटा 3। ठीक है, ये एक सवाल है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अभी हम जोड़ कर रहे थे, अब हम घटाना करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हरों का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या क्या है, दो है, फिर से दो है, और फिर तीन है। ठीक है, तो यहाँ पर दो से करेंगे, सबसे पहले दो एकम दो, फिर दो एकम दो, और फिर तीन में नहीं जाएगा, तीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर तीन से करेंगे एक का एक, और फिर एक का एक, और फिर तीन एकम तीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्याएं आई हैं इनका गुणा कर लो, तीन दुनी कितना हो जाएगा छः, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आया है, छः आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे छः। ठीक है, अब इसका कोई काम है नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है,
चलिए अब हमें एक एक भिन्न को हल करना है, इसको करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर दो है, दो से भाग लगाइए छः में, कितनी बार जाएगा? दो तिया छः, तीन बार, ठीक है। तो यहाँ पर गया तीन बार, अब उस तीन का गुणा ऊपर छः में कितनी बार, तीछिंग अट्ठारह, तो यहाँ पर हो गया अट्ठारह। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, बस यही अंतर है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगाना है, ठीक है। तो हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए इस वाले भिन्न पे दो से भाग लगाएंगे छः में, कितनी बार जाएगा? तीन बार, दो तिया छः, और तीन का इंटू ऊपर तीन में कितना, तीन तिरका नौ, तो ये हो गया नौ। फिर इसके बाद में यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर इस वाले भिन्न पे आ जाओ, तीन से फिर भाग लगाएंगे छः में, तीन दुनी छः दो बार, अब दो का गुणा ऊपर पाँच में, तो पाँच दुनी कितना हो जाएगा, दस, तो ये हो गया दस, क्लियर। चलिए तो ये हो गया 10। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना या घटाना है, ठीक है। तो प्लस की संख्या क्या है, 18, 18 है प्लस का, ठीक है, और ये दोनों माइनस की हैं, तो ये 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19, तो माइनस का 19, और बटे में कितना है, 6 है, तो ये आ गया 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगा दो। अब 19 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का एक और बटे में छः है, तो छः आ जाएगा, और यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भिन्न का घटाव हल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और भिन्न का गुणा करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए तो भिन्न के गुणा का सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए इसको हम सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है, 5/9, ठीक है, इसके बाद में मल्टीप्लाई 3/10, ठीक है, इसके बाद में मल्टीप्लाई यहाँ पर 5/24, ठीक है। अब देखिए जोड़ और घटाना इनको करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम है, और गुणा और भाग को तो हल करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, बस भाग में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले गुणा सीखते हैं, फिर उसके बाद में भाग सीखेंगे। चलिए तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस सवाल को सरल करना होता है, ठीक है। वैसे तो गुणा आप कैसे कर सकते हैं भाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, ठीक है, आपस में आप गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये जो सवाल है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्याएं कट रही हैं उनको काटेंगे। अच्छा काटना कैसे है, नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली किसी भी संख्या को हम काट सकते हैं, ठीक है। कैसे काटना है, चलिए मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से काटना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तीन है, तो तीन से हम 24 को काट सकते हैं, तो देखिए तीन एकम तीन और ती अट्ठे 24, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए पाँच से हम 10 को काट सकते हैं, पाँच एकम पाँच और पाँच दुनी 10, ठीक है। अब कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं, अब कोई संख्या नहीं कट रही है, तो आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 5/9, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है एक और बटे में कितना है दो, ठीक है, यहाँ पर भी कट गया तो ऊपर कितना बचा, मल्टीप्लाई एक और बटे में कितना बचा, आठ बचा, ठीक है। अब तो कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, ठीक है भाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और नीचे वाली संख्याओं का इनका गुणा आपस में, तो पाँच एकम पाँच और पाँच एकम पाँच, तो ऊपर तो आ गया भैया पाँच, ठीक है, नौ दुनी अठारह, अठारह और आठ का गुणा करेंगे तो कितना होएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नौ दुनी अठारह आ जाएगा, अठारह और गुणा आठ, ठीक है। तो आप गुणा कर लीजिए, आठ अठैया चौंसठ की कितनी हो जाएगी, चौंसठ की हो जाएगी चार, हासिल आ जाएगा छः, आठ एकम आठ और छः चौदह, तो 144 आ गया नीचे और पाँच आ गया ऊपर, ठीक है। तो 5/144 जो है वो हमारा आंसर आ गया है इस गुणा के सवाल का, ठीक है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हो गया। अच्छा अगर आप गुणा करना सीख गए तो भाग देखिए अपने आप ही आप सीख जाएंगे, भाग करना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए लेकिन उससे पहले आपको गुणा जरूर से आना चाहिए, अगर गुणा नहीं आएगा तो आप भाग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो गुणा का आई होप आप सीख गए होंगे। अब हम करते हैं यहाँ पर भाग का सवाल। तो भाग का सवाल क्या है, देखिए 5/3, फिर से भाग है यहाँ पर 2/3, फिर से यहाँ पर है 6/5, क्लियर है। चलिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखो जो जितनी भी जगह पर भाग भाग है ना, हम इसको गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। गुणा में कन्वर्ट करते ही गुणा का सवाल तो आपको आता ही है, तो हम इसको गुणा में कन्वर्ट कर देंगे और इसको हल कर लेंगे। तो चलिए क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें
यहाँ पर मान लीजिए ये वाला जो गुणा का सवाल है, सबसे पहले हम देखिए सॉरी सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 5/3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भाग है, ठीक है। तो भाग को हम क्या कर देंगे, गुणा बना देंगे, ठीक है। और इसके आगे जो संख्या है इसको पलट देंगे, ठीक है। तो पलटेंगे तो यहाँ पर 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी गुणा सॉरी भाग है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और इसके सामने जो संख्या है उसको पलट देंगे, यानी कि 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 6 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये एक गुणा का सवाल बन गया और गुणा तो आपको आता ही है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो संख्याएँ कट रही हैं को काट दीजिए, जो बच रहा है उसको गुणा कर लीजिए। तो 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब तो कोई भी संख्या कटेगी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 और बटे में यहाँ पर 1 बचा, फिर गुणा यहाँ पर है 1 और बटे में कितना है 2 और गुणा यहाँ पर कितना है 5 और बटे में कितना है 6, ठीक है। तो अब सभी को हम कर लेंगे गुणा, तो 5 × 25, ठीक है। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो गया, ठीक। और बटे में यहाँ पर 6 × 2 = 12, तो यहाँ पर आ गया 12 और यही जो है आपका आंसर निकल कर आ गया। आई होप दोस्तों आपको चारों ही सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।